पूरा अच्छा तरह से भून लिए हैं इसको, देखिए पूरा इसमें थोड़ा सा पानी है। अभियान चल रहा है पूरा, इधर बहुत ज्यादा कचरा, और ये देखिए फ्रेंड्स सारा कचरा को भैया लोग चला दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पार्वती कुमारी ब्लॉग पर। सो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुखी होंगे। सो फ्रेंड्स देखिए आज का मौसम अचानक इतना खराब कर दिया है, क्या बताएं, आप लोग देख सकते हैं नजारा, इतना खतरनाक वाला हवा आ रहा है और पूरा बादल किया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तुरंत बारिश हो जाएगी और पूरा सभी तरफ देखिए अंधकार हो गया है। अभी दिन में 12:30 बजा है और मौसम देखिए लग रहा है कि अभी भी सुबह हुआ है। देखिए कितना तेज आंधी तूफान चल रहा है, खतरनाक वाला एकदम। देखिए पेड़ का हालत देखिए कितना झूम रहा है, देखिए बाप रे, फ्रेंड्स ये देखिए आज हम लोग का सफाई अभियान चल रहा है पूरा, इधर बहुत ज्यादा कचरा था सबको हटाई है माँ, और हम ऊपर का काम कर रहे थे, और इधर देखिए हम लोग पेड़ पौधा भी लगा रहे हैं। देखिए ये केला है, केला का पौधा भैया आए हैं और पूरा लगा रहे कोड़ कोड़ के, क्योंकि हम लोग का जो पानी है ना इधर का, वो पानी इधर पास नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग इधर बालू रखे हैं, ऊंचा हो गया है, इसलिए हम लोग इधर खुदाई का काम कर रहे हैं, कोड़ रहे हैं ताकि पानी इधर से आसानी से निकल जाए, और पानी नहीं निकलने के कारण लीक हो गया है हम लोग का। देखिए इधर से पानी एकदम बाथरूम वाला पानी इधर से निकलता है, इसीलिए हम लोग इधर सफाई कर रहे हैं, इधर पूरा साफ सुथरा करेंगे। और ये देखिए इधर कचरा पूरा जम गया है, बालू रख के ऐसे हो गया हम लोग का। सो ये देखिए पूरे बालू को भी हटाना है, रास्ता में रखा गया है, पानी पास नहीं होता है, अभी बरसात का दिन आएगा तो बहुत परेशानी होगा, इसीलिए भैया को तो आता ही नहीं कोड़ने बनाने, माल लग गई काम करने। देखिए भैया भी आधा अधूरा काम करते हैं। ये देखिए माँ कोड़ रही है, माँ खेती बाड़ी काम करती थी गांव में, इसी दिन को आता है कोड़ने खाबले, सब सब लोग कभी कोड़े खाबे नहीं है इसीलिए नहीं जानते हैं। अब ये देखिए अनिवार्य कोड़ देते हैं बोली शाम करने के लिए, तो भैया और डिपा ही छोड़ दिए। देखिए माँ कितना अच्छा से करती है साफ एकदम, गांव में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सारा काम। उधर केला का पौधा भी लग गया है पूरा मस्त पैक में, और ये वाला केला है, इसका फल देखिए इधर नहीं निकल पाया था पानी का कमी के कारण, माँ बोल रही थी जिसको काट के अभी हटा दिए हैं, और इसका जो छोटा छोटा बच्चा था उसको इधर डाल दिए हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा है पौधा, लग भी नहीं रहा है कि अभी हम लोग इसको डाले हैं, शाम तक में लगेगा, हल्का मुरझा जाएगा, अभी तो जस्ट कोड़ के डाले हैं इसीलिए एकदम पूरा तारो ताजा दिख रहा है एकदम। यार ये है लीची का पेड़, ये 7-8 साल से है लेकिन अभी तक फला नहीं है, भाभी लगाई थी लीची खा के दाना, वही वाला है इसीलिए शायद नहीं फला है। ये देखिए देहाती वाला लीची है, इतना बड़ा हो गया है पेड़ लेकिन अभी तक फला नहीं है, ये लीची का पेड़ है। और इधर पूरा हम लोग का सामान रखा हुआ था यहाँ पर, हम लोग उधर जो बालू है ना उसको हटा के इधर लाएंगे और इधर ही रखेंगे, इसीलिए सफाई कर रहे हैं, ये सबको हटाएंगे और यहाँ पर फिर पूरा बालू रखाएगा मस्त टाइप में, तो उधर का जो पानी पास नहीं हो रहा है ना वो फ्री हो जाएगा, बालू हट जाएगा तो वहाँ जो डिब्बा हो गया है वो गड्ढा टाइप में हल्का हो जाएगा, तो फिर पानी आसानी से उधर चल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसी में लगे हुए हैं। आज माँ नहीं जा रही है रांची, क्योंकि उधर जाती है तो घर का काम नहीं हो पाता है, इधर बहुत सारा काम रुक गया था घर का। इधर देखिए पूरा लाल वाला कांदा है, ये कंदा साग है, देखिए फलता है नीचे बैठता है कांदा, खाते हैं शकरकंद, शकरकंद का पौधा है, आप लोग अगर लगाना होगा तो ले जाइएगा यहाँ से, बहुत सारा है देखिए शकरकंद का पौधा है। ये देखिए पूरा एकदम इसका बेली है, अरे ऊपर देख रही कितना बड़ा, अरे बाप रे, और ऊपर देखिए कितना बड़ा सा कद्दू फला है, ये हम जूम करके दिखाते हैं, देखिए कितना बड़ा देख सकते हैं, और बहुत सारा गिर भी गया है। और ये देखिए शकरकंद का पौधा कितना ज्यादा है, इसका साग भी खाते हैं ऐसे नाजुक वाला तोड़ के, इसका नाजुक साग ये देखिए इसी को खाते हैं,
बना के साग, शकरकंद का साग। ये देखिए पूरा खतरनाक वाला माकोड़ रही है। हाँ खतरनाक वाला, कैसे निकलेगा वो बताओ। पूरा एकदम उपजाऊ वाला मिट्टी है यहाँ, बहुत सारा खाद है। सड़ गया है यहाँ का मिट्टी, इसमें बहुत अच्छा होगा पौधा। सो फ्रेंड्स, इधर का काम चल रहा है और हम जा रहे हैं अब घर, बोले तो किचन जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता बना देते हैं क्योंकि माँ और भैया काम कर रहे हैं और अभी लोग थक जाएंगे तो फिर हम नाश्ता वास्ता बना देते हैं क्योंकि माँ का काफ़ी काम हो जाता है। तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। माँ तो बोल रही है डूमर सब्जी बनाने के लिए, आप लोग को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं किचन और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। देखिए रोटी बनाएंगे और आलू और डूमर का सब्जी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है डूमर, ये देखिए ये है डूमर और अभी इसका सब्जी बनाएंगे आलू और डूमर। तो सबसे पहले इसको हम लोग काट लेंगे, दो दो पीस कर लेंगे। तो अभी काटते हैं बराबर। ये देखिए फ्रेंड्स ये है ना, इसको दो पीस करेंगे, ऐसे पीस से काटेंगे। देखिए ये कट गया है, इसी तरह सबको काट लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए हम डूमर पूरा काट लिए हैं, देखिए पूरा दो दो पीस कर लिए हैं, मतलब बीस से काट के दो दो पीस कर लिए हैं। और अभी इसको हम लोग अभी उबाल लेते हैं, इसमें आलू मिक्स करेंगे और आलू और डूमर का सब्जी बनाएंगे। पहले इसको उबालेंगे, कुकर में डालते हैं। बगल वाली आंटी गांव गई थी तो वही ला के दी है क्योंकि गांव तरफ बहुत होता है, मेरे गांव में भी नदी के किनारे बहुत ही बड़ा बड़ा पेड़ है। सो फ्रेंड देखिए आलू मिक्स कर देते हैं, इतना ज्यादा आलू नहीं मिलाएंगे, इतना आलू मिक्स कर रहे हैं इसमें क्योंकि डूमर भी कम है। आलू के साथ बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी। पहले इसको हल्का उबाल लेंगे क्योंकि डूमर में जो है ना, ये डूमर इसमें कसापन हल्का रहता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब कटहल जब होता है, कटहल तो कोई कटहल कसा लगता है ना, वैसे ये कसा रहता है लगता है क्योंकि ये पेड़ में फलता है। इसका जो डूमर का पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा होता है और डूमर का फूल नहीं होता है, फल बस आता है इसका। और ये पकता है इसको, इसका फल भी खाते हैं, पकेगा तो बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर पकता है मतलब मीठा लगता है खाने में, बहुत मजा आता है। हम लोग गांव में नदी किनारे जाते थे बैल बकरी चराने, तो हम लोग बहुत खाते थे वहां पर, बहुत बड़ा बड़ा 5-6 पेड़ है डूमर का। तो पकता है ना तो पूरा गिरता है, मजा आता है खाने में एकदम, पूरा अंदर का जो दाना है ना उसको निकाल के फिर खाओ, उसको बहुत मजा आता है। तो फ्रेंड इसका भी रेसिपी बनाते हैं, देखिए पहले इसको उबाल लेंगे। सो फ्रेंड देखिए अभी इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसको उबालने के लिए चढ़ा दिए हैं और ये उबलता है तब तक अब आटा गूंध लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम आटा निकाल लिए हैं और अभी इसको गूंथते हैं। इसको अच्छा तरह से मिला लेते हैं जब तक मेरा उबलता है ये डूमर तब तक। सो फ्रेंड्स डूमर का जो सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी है क्योंकि वो पेड़ में फलता है। पेड़ का जितना भी सब्जी होता है उसमें ना बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिनरल पाया जाता है, मिनरल हो गया आपका और विटामिन्स हो गया, मिनरल विटामिन्स ये सब फाइबर सब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए खाना चाहिए। और बहुत सारा बीमारी में काम आता है ये सब, जैसे पेट का बीमारी हो गया, अभी गर्मी के दिन में पेट में गैस वैस हो जाता है, पेट में गर्मी है ठीक ना, तो डूमर का सब्जी खाइए, आपका पेट का मतलब खराब हो गया है गर्मी की वजह से, पतला लेटरिंग हो रहा है ठीक ना, उल्टी उल्टी सब हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो डूमर का सब्जी खाइए आपका ये सब सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। और खाने में बहुत ही मजा आता है, टेस्टी लगता है, लेकिन डूमर सब जगह नहीं पाया जाता है, गाँव देहात में जंगल झूड़ में नदी के किनारे आपको नाला वाला के किनारे देखने के लिए मिलेगा डूमर का पेड़। डूमर भी कई तरह होता है, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है।
छील लेते हैं फटाफट। सो फ्रेंड्स देखिए हम प्याज वह सब काट लिए हैं और अच्छा तरह से डूमर को भी पूरा बढ़िया से धो लिए हैं। और ये देखिए आलू उबाले थे इसको चार चार पीस काट लिए हैं और अभी बनाएंगे। अभी भैया को पानी प्यास लगा है, पानी मांग रहे हैं, पानी पहुंचा आते हैं नीचे, भैया लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इतना सारा काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए माँ काम कर रही थी और माँ का हाथ में चोट लग गया है, ये देखिए पूरा कट गई है। अरे वाह इधर पूरा सम हो गया, मस्त टाइप में एकदम हो गया है, देखिए ऐसे इतना अच्छा बन गया है। और केला भी रोपा गया है, इतना इतना केला को काहे गाड़ दिए भैया। देखिए फ्रेंड्स बारिश से क्या क्या निकला है, ये देखिए पूरा प्याज है, टोटी है, ओल है, देखिए खतरनाक वाला ओल, देखिए कितना लंबा है एकदम, वाह बहुत ही मस्त, कितना साल से था। सो फ्रेंड्स देखिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अभी इसमें सरसों का तेल डालते हैं। देखिए सरसों ऑयल डाल दिए हैं, हींग डालने से गैस उस गैस पेट में नहीं बनने देता है, खाना अच्छा पचाता है हींग। और इसमें प्याज और देखिए हरी मिर्चा का दो कली काटे हैं, इसको भी डाल देते हैं। आ गया है, आप इसमें डूमर डाल देते हैं। आलू को भी डाल देते हैं इसमें। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा हल्दी डालते हैं, मसाला डाल दे रहे हैं, मिर्च मसाला, हल्का मसाला क्यों बनाएंगे, गर्मी में ज्यादा मसाला खाने को मन नहीं करता है, इससे भी बहुत टेस्टी बनेगा। और ये देखिए हम टमाटर काट के रखे हैं, टमाटर को भी डाल देते हैं इसमें, को अच्छा तरह से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड ये भुना गया है पूरा, अच्छा तरह से भून लिए हैं इसको, देखिए पूरा, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ये देखिए सो फ्रेंड्स आप ढक देते हैं सब्जी को। इधर देखिए फ्रेंड काम चल रहा है भैया लोग का, देखिए पूरा एकदम इसमें टोटी लगाएंगे, कचरा सबको डाल रहे गड्ढा में, ये देखिए पूरा सारा कचरा को गड्ढा में डाल दीजिए, सब सड़ेगा सारा कचरा और इसमें टोटी बड़ा बड़ा बैठेगा। अच्छा पत्ता को ऊपर से डालना है, देखिएगा कटेगा भी हाथ, माँ को लगा है आराम से, पूरा काम चल रहा है इधर। सो फ्रेंड्स अब हम इधर देखते हैं मेरा सब्जी पका कि नहीं, उधर भैया लोग काम कर रहे हैं पूरा जोर शोर से। और ये देखिए मेरा सब्जी, वाह क्या बात है, बहुत ही मस्त बन रहा है, देखिए एकदम पकने ही वाला है दोस्तों, देखिए कैसे डबक रहा है एकदम। और ये देखिए फ्रेंड्स सारा कचरा को भैया लोग चला दिए हैं, अरे देखिए पूरा जल रहा है, खड़े। सो फ्रेंड देखिए अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, अब बताते हैं कैसा लगता है, मम्मी और भैया लोग तो खा लिए हैं। और ये देखिए आलू डूमर का सब्जी है, रोटी है और इधर सलाद है, और अभी खाते हैं। देखिए सब्जी और रोटी बहुत ही टेस्टी लग रहा है, देखते हैं खा के कैसा लगता है डूमर आलू की सब्जी। बहुत टेस्टी बना है,
मजा आ गया, सलाद भी बहुत अच्छा। सो फ्रेंड्स नाश्ता वास्ता कर लिए हैं और हम जा रहे हैं अपने बर्तन धोने, और मम्मी चावल बना रही है इधर, और हम दो बर्तन ही ज्यादा नहीं है, धो लेते हैं सबको फटाफट। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।